हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस पराठे। हम बनाएंगे मटर के पराठे। और फ्रेंड्स, मटर में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसमें B1, B2, B3, B6, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसमें हाई फाइबर है, इसमें हाई प्रोटीन है, तो हमें जरूर बनानी चाहिए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप्स आटा लिया है मैंने, होल व्हीट फ्लोर लिया है मैंने 2 कप्स, और मैंने मटर ली है 1.5 कप या 2 कप्स मटर ले लीजिए आप, फ्रेश पीस है ये। और मैंने कुछ अदरक के पीसेस लिए हैं यहाँ पे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने इसको कट कर लिया है, और 1-2 ग्रीन चिलीज है। इन सबको हम एक साथ पीस लेंगे, रफ पीसना है हमें, बारीक नहीं पीसना है इसको। और हम लेंगे धनिया, हरा धनिया लेंगे हम 2 टीस्पून। और फ्रेंड्स, कुछ मसाले लेंगे हम, जैसे रेड चिली है, अमचूर पाउडर, धनिया, कसूरी मेथी, सॉल्ट लेंगे, और गर्म मसाला लेंगे, और हम जीरा लेंगे। तो सबसे पहले अपना हम डो बना लेते हैं। तो मैंने 2 कप्स आटा लिया था, मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूं मैं, और मैं इसमें बिल्कुल ऑयल ऐड नहीं करूंगी। और आप चाहें तो इसमें अजवाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड कर रही हूं थोड़ा सा धनिया, धनिया पत्ती ऐड करूंगी थोड़ी सी, 1 टीस्पून। और हम इसको मिक्स कर देंगे धनिया और नमक को, और हम पानी के साथ एकदम सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। आटा एकदम सॉफ्ट गूंदना है आपको, हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर हार्ड होता है आटा तो क्या होता है कि हमारी स्टफिंग बाहर आ जाती है आटे से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डो बना लिया है, आटा गूंद लिया है मैंने धनिया पत्ती और नमक के साथ। तो मैं इसको अब कवर कर देती हूँ कम से कम 20 मिनट के लिए, इसे हम रख देंगे। और फ्रेंड्स, इतने टाइम में हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैं मटर, अदरक और अपनी ग्रीन चिलीज को एक साथ पीस लेती हूँ, और बहुत रफ पीसना है इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मटर, अदरक और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है, और इसको दरदरा पीसना है, यानी कि मोटा मोटा पीसना है फ्रेंड्स, एकदम रफ रफ, बहुत बारीक पेस्ट ही बनाना है इसका हमें। तो मैंने पीस लिया है इसको। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया हमारा, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पिंच हींग, और साथ ही ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून जीरा। हमारा जीरा फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपनी मटर, और गैस बिल्कुल स्लो की हुई हमने इस समय, जो हमने रफ पीसी हुई थी मटर डाल देंगे इसमें। तो मैंने मटर ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले अपने। तो मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ऐड करूंगी मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया पाउडर, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया मैंने, और सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून ऐड कर देती हूँ मैं इसमें, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी और धनिया, नमक ऐड कर दिया मैंने। इसको हल्का सा भूनेंगे, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करी हूँ रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन भी ऐड की थी, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी गर्म मसाला अपना, तो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें 1/2 टीस्पून, और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, एकदम ड्राई कर देंगे इसको हम, बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे इसमें, नहीं तो हमें पराठे बनाते हुए प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपनी मटर को भून लिया है 2-3 मिनट तक, तो देखिए एकदम ड्राई हो गई है फ्रेंड्स ये। और जब इसको आप पीसें तो बिल्कुल पानी ऐड ना करें इसमें, बिल्कुल ड्राई पीसना है आपको अदरक और हरी मिर्च के साथ। और अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ अपनी, क्योंकि ये भून गया है। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अब अमचूर पाउडर, तो मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून और ऐड करूंगी, तो 2 टीस्पून मैंने अमचूर ऐड कर दिया इसमें। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरा धनिया, ये तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज्यादा से ऐड करिए इसमें। मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया हरा धनिया इसमें, इसको मिक्स कर दूंगी मैं, और इसको ठंडा कर लेंगे हम स्टफिंग को अपनी, और फिर हम स्टफ करेंगे अपने पराठे मिक्स करके इसको, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरी के साइज का बेल लिया आटे को, अब मैं इसमें फिलिंग भर देती हूँ अपनी। तो
तो मैं 2 टीस्पून भरूंगी फिलिंग इसमें। और अब मैं इसको बंद कर दूंगी इस तरह से, एक पोटली की तरह बना देंगे इसको, बंद कर देंगे और ड्राई आटे में लगाएंगे फिर से। और इसको अब हाथ से प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से, जितना हो सके हम हाथ से प्रेस कर देंगे। एकदम से हम बेलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, फट जाएगा पराठा हमारा। तो इसको हाथ से प्रेस कर देंगे और इसको अब हल्के हाथ से बेलेंगे हम, जोर से नहीं बेलेंगे नहीं तो हमारा पराठा फट जाएगा। तो हम हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे घुमाते हुए बेल लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने बेल लिया अपना पराठा, और आप देख सकते हैं कि मेरे पराठे में आटा कम है और मटर दिख रही है अंदर से, तो आटा में कम लेना नहीं तो मुंह में आटा आएगा और टेस्ट नहीं आएगा पराठे में, मटर अधिक होनी चाहिए। जल्दी से एक और बना लेते हैं हम, छोटी सी लोई लेंगे फ्रेंड्स, आटा में कम ही लेना है। और इसको बेलेंगे पूरी की साइज का बेलेंगे हम, इतना बड़ा बेलेंगे, और 2 चम्मच फिलिंग करेंगे इसके अंदर। और अगर लगे आपको कि थोड़ा मॉइस्चर रह गया आपके फिलिंग में तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल लीजिए ऊपर, इससे क्या होगा जरा जो मॉइस्चर होगा वो सूख लेगा आटा और आपका पराठा फटेगा नहीं। और इसको इस तरह से हम प्लीट्स बनाते हुए बंद कर लेंगे और प्रेस करके सूखे आटे में लगाएंगे और हाथ से प्रेस करते हुए इसको फैला लेंगे इस तरह से, जितना हो सके इतना फैला लेंगे पहले हम, और फिर इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, जोर से बेलेंगे तो आपका पराठा फट जाएगा। और आटा कम लेना है नहीं तो मुंह में आपके मटर कम आएगी और आटा अधिक आएगा और आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा पराठे में। तो हमने बेल लिया अपना पराठा, देखिए मटर दिख रही है इसके अंदर से, तो इसको हम सेक लेते हैं। तो हमारा तवा गर्म हो गया है तो मैं इसमें अपना पराठा डाल देती हूँ तवे के ऊपर, और गैस थोड़ी सी कम कर देंगे हम और इसको एक साइड से सेकेंगे। तो हमने इसको 10 सेकंड के लिए सेका है एक साइड से, और इसको हम पलट लेते हैं पराठे को। हमने अभी तक ऑयल नहीं लगाया है इसमें फ्रेंड्स, दोनों साइड से हम सेक लेंगे फिर हम इसमें ऑयल लगाएंगे, और गैस हमने अभी कम की हुई है इस समय। तो दूसरी साइड भी मैंने कुछ देर सेक ली और अब मैं इसको पलट देती हूँ, और अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। आप चाहें तो आप देसी घी में बना सकते हैं, मैं ऑयल लगा रही हूँ। और अब हम गैस तेज कर देंगे अपनी, और दोनों साइड ऑयल लगाते हुए इसको क्रिस्पी सेक लेंगे पराठे को तेज गैस पे। अब गैस कम नहीं करनी है हमें, घुमाते हुए इस तरह से। तो इस तरह से पहले धीमी आंच पे सेकें और फिर ऑयल लगाने के बाद गैस तेज करके सेकेंगे आप, तो आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा इस तरह से। तो इसे निकाल लेते हैं हम और ऐसे ही हम और बना लेंगे पराठा। फ्रेंड्स तैयार हो गए हैं मेरे बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी हरे भरे हरी मटर के पराठे, आप भी जरूर बनाइएगा और जरूर खाइएगा। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, आप सेहतमंद रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल शिखास किचन को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।